This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने मकान पर आज बुलडोजर चलाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज बारिश हुई है। मुंबई के कई हिस्सों में बढ़िया बारिश हुई है। तमिलनाडु के कच्चा कुरीची में कथित जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। कनाडा ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को आतंकवादी इकाई के रूप में सूचीबद्ध किया है। मेरठ के थाना सदर बाजार के अंदर भीषण आग लग गई है। ऐसे में धमाका होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सड़क हादसे में सशस्त्र बल CAF के 2 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। वियतनाम में पुतिन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुएन फू ट्रोंग और नए राष्ट्रपति टो लैम से मिलकर मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे। दूसरी बार विदेश मंत्री बनने के बाद यह उनका पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 जून को उद्योग मंडलों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में PM का कार्यक्रम है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर कैबिनेट बैठक करने वाले हैं। CM नीतीश ने 20 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को UGC नेट परीक्षा रद्द करने की जानकारी देने के साथ ही बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे केस की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को दी गई है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 2 घंटे में बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चलने के आसार है। ये जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दी है। मुंबई में आज सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि कुछ इलाकों में 21 और 22 जून तक अच्छी वर्षा होगी। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के स्थापना दिवस पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। शिवसेना UPT प्रमुख ने दावा किया कि जल्दी NDA की सरकार की जाएगी। महाराष्ट्र के ठाणे में एक शख्स शेयर कारोबार में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार हो गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। NCP नेता छगन भुजबल ने हाल ही में कहा था कि पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए 80-90 सीटें मिलने चाहिए। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को मिली हार के कारण ढूंढने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटियों का गठन कर दिया है। आदित्य ठाकरे के साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से आयोजित करने में बार बार और पूरी तरह से विफल होना NT की अक्षमता को उजागर करता है। शेयर बाजार में आज मिला जुला कारोबार देखा जा रहा है और बाजार रेंज बाउंड कारोबार कर रहा है। ओपनिंग के समय तेजी पर खुलकर बाजार तुरंत गिरावट के लाल दायरे में फिसल गया। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।